अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, दक्कन आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल में फिर एक बार नई बूटी और नई जानकारी के साथ आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, हिंदुस्तान में बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जो अपने फायद के एतबार से जाने जाते हैं। इन्हीं में से एक है बेशरम का पौधा। ये पौधा आपने ज़रूर देखा होगा, लेकिन इसके क्या क्या फ़ायदे हैं आप नहीं जानते। आज हम इस बेशरम के पौधे के फ़ायदे बताने वाले हैं और साथ ही साथ इसके इस्तेमाल की जानकारी भी आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को पूरे ध्यान से देखते रहिए, जानकारी बहुत अहम है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इसी तरह की आप और पेड़ पौधों और बूटियों के बारे में जानकारी जानना चाहते हो तो हमारे चैनल दक्कन आयुर्वेदिक को अभी सब्सक्राइब करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें और देखते रहें। ये पौधा हिंदुस्तान के सभी जगहों पर देखा जा सकता है। खेतों के आसपास, सड़कों के किनारे, तालाब, नालों और पानी की जगह पर ये हमेशा हरा भरा रहता है। इस पर इस तरह के फूल लगते हैं, लेकिन इन फूलों में किसी भी किस्म की बो नहीं होती। इसके पत्तों को तोड़ने पर दूध निकलता है, वैसे इसके हर हिस्से में दूध निकलता है। इस पौधे के मुतालिक कोई बातें ऐसी हैं जो दूसरे पौधों से मुख्तलिफ है, जैसे कि ये पौधा कभी मरता नहीं। अगर इस पौधे को काट कर कहीं भी फेंक दिया जाए तो वो इसी जगह पर उग जाता है। अगर ये पौधा पानी के अंदर हो तो ये सड़ता नहीं। अगर ज़मीन पर पानी ना मिले तो वहीं पर कई सालों तक ज़िंदा रहता है। इसको कोई भी गाय और बकरी या कोई दूसरा जानवर नहीं खाता। वजह यही है कि ये बहुत जहरीला पौधा है। अगर गलती से कोई जानवर इसे खा जाए तो वो पागल हो जाता है। वैसे जानवरों को जहरीले पौधों की पहचान होती है, इसलिए वो इन पौधों को नहीं खाते। लेकिन कोई भी पेड़ पौधा बेकार नहीं होता। इसके कुछ कुछ फ़ायदे ज़रूर होते हैं, वही फ़ायद को आज हम बताने वाले हैं। इसको मुख्तलिफ जगहों पर अलग अलग नामों से लोग जानते हैं। मशहूर नाम बेशरम बेहिया, बिहार में बारविला, गुजराती में बेशरम और भी नामों से जानते हैं। आप इसे किस नाम से जानते हैं और इस पौधे के मुतालिक क्या जानकारी रखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हो सकता है आपकी दी हुई जानकारी किसी भाई के काम आ जाए। चलिए जानते हैं इस पौधे के मुतालिक कुछ जानकारी जो आपके मालूमात में इजाफे के साथ साथ कई बीमारियों में मुफीद है। वीडियो को गौर से सुने और देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं सूजन दूर करने की। कैसी ही किस्म की सूजन हो, इसको दूर करने के लिए बेशरम के पत्ते बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके चंद पत्ते लेकर पत्थर पर बारीक पीस लें और इसमें सरसों का तेल डालकर गर्म करें और इसको सूजन की जगह पर लीप करें तो आप देखेंगे कि कुछ ही घंटों में सूजन धीरे धीरे कम होने लगती है। लगातार इसका इस तरह का इस्तेमाल करने से पुरानी सूजन ख़त्म हो जाती है। बिच्छू काटने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिच्छू के डंक की जगह पर इसका दूध लगाने से जहर का असर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, या फिर इसके पत्तों को पीसकर डंक की जगह बांधना जहर को ख़त्म कर देता है। इसका अगला इस्तेमाल दांतों की पेवरिया मर्ज में भी मुफीद है। इस मर्ज में दांतों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और दांतों की जड़ों में ऐसा लगता है जैसे कीड़ा लग गया है, दांत उखड़वाना पड़ेगा। ऐसे ही पेवरिया और भी बहुत मुश्किलात पैदा हो जाती है, लेकिन जब आसान तरीक़ा आपके सामने है तो इस मर्ज को दूर कर सकते हैं। इसके नाजुक टहनियों से मिसवाक करने से इस मर्ज में आराम मिल जाता है। इसका मिसवाक करते वक्त एहतियात बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इसका मादा हलक के अंदर ना जाने पाए और छोटे कम उम्र बच्चों को इसका इस्तेमाल मुनासिब नहीं है, इसलिए कि इसका दूध जहरीला होता है। इसका और एक इस्तेमाल चोट या मोच में किया जा सकता है। इसके पत्तों को गर्म करके दर्द वाली जगह बांधने से दर्द पत्ता खींच लेता है और दर्द से आराम आ जाता है। बाल तोड़ होने पर इसका दूध चंद बार बाल तोड़ पर लगाने से बाल तोड़ से आराम आ जाता है। इसका अगला इस्तेमाल दांत को दूर करने के लिए किया जा सकता है। किसी भी किस्म की दांत खाज खुजली हो, पुरानी हो या खुजली पुरानी भी हो, दूर हो जाती है। इसके लिए बहुत आसान तरीका यह है कि इसके दूध को दांत और खुजली वाली जगह पर लगा दें। अगर ऐसा नहीं तो इसके पत्तों को पीसकर मुतासिरा जिल्द पर लीप करने से बहुत जल्द दांत और खुजली से आराम मिल जाता है। तजुर्बे में 2 या 3 दिन में दांत ठीक हो गया,
ये मेरा कई बार का आजमाया हुआ नुस्खा है। इसके अलावा फोड़े और पुंछियाँ होने पर इसका दूध लगाने पर बहुत जल्द आराम मिल जाता है। अगर आप इसके बारे में कोई और जानकारी रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। ये अगली वीडियो में नए पेड़ पौधे और उनके मुतालिक नई जानकारी के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।